दोस्तों ये है सदाशिव अमरापुरकर जी का घर। इसी बिल्डिंग में वो रहते थे और अभी भी उनकी पूरी फैमिली इसी घर में रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मुंबई के वर्सोवा के कालरा कोर्ट चौक पे और आज की इस वीडियो में गाइज हम आपको दिखाने वाले हैं सदाशिव अमरापुरकर जी का घर। आप लोग इनके नाम से इनको नहीं जानते होंगे सभी लोग, लेकिन इनके फोटो से, इनके चेहरे से इनको सभी लोग पहचानते होंगे। आप लोग बगल में देख सकते हैं, यही है सदाशिव जी, जिन्होंने बॉलीवुड के अलग अलग मूवी में अपनी इतनी ज़बरदस्त छाप छोड़ी है कि बहुत सारे लोग इनके अभिनय के, इनके विलेन रूप के, इनके इंस्पेक्टर रूप के दीवाने हैं और अभी भी इनको लोग प्यार करते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आप लोगों ने 1991 में मूवी आई थी सड़क, जिसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट जी ने अभिनय किया था और इसमें वो महारानी का रोल अदा करते हैं, जिसमें खूब बड़ा सा चंदन और नाक में का पहन के बड़े बड़े बाल रखे रहते हैं और संजय दत्त को काफ़ी परेशान करते हैं। मतलब इसमें एक तरह से कह लीजिए तो विलेन का रोल अदा करते हैं। इसी प्रकार से आग के, ऐलाने जंग और इसके ऐसी कई सारी मूवी में इन्होंने अपना अलग अलग चरित्र में अभिनय किया है। कभी विलेन का रोल अदा किए हैं तो कभी अच्छे इंसान बने हैं, कभी पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सदाशिव अमरापुरकर जी मुंबई में कहां पर रहते थे। आपको बता दें इनका जन्म 11 मई 1950 को अहमदनगर मुंबई में हुआ था, लेकिन 3 नवंबर 2014 को इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके फेफड़े में संक्रमण हो गया था, उसके कारण ये इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन उनकी बेटी, उनकी पत्नी और उनके फैमिली में कौन कौन है, अभी वो लोग जिस घर में रहते हैं उसी घर में सदाशिव जी रहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं और उनके बायोग्राफी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में गाइज पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, हमारे पीछे ही कुछ ही दूर पे उनका घर है, तो चलते हैं और उनके घर का पूरा ब्लॉग शूट करके दिखाते हैं और आपको उनके बारे में सब कुछ अच्छे से बताते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सदाशिव अमरापुरकर जी के घर के पास। ये जो आप लोग पंचधारा बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में हमारे सदाशिव अमरापुरकर जी रहते थे और अभी भी उनकी फैमिली यहीं पर रहती है। उनकी फैमिली में कौन कौन है मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों आपको बता दें, सदाशिव अमरापुरकर जी का जो वास्तविक नाम है ना, उनका नाम था गणेश कुमार नलवाड़े जी। वहाँ पर देखिए लिखा है पंचधारा CHS, और इनका पूरा नाम है सदाशिव दत्ताराय अमरापुरकर और इनको लोग प्यार से तात्या के नाम से भी बुलाते थे। यहाँ पर देख सकते हैं सदाशिव अमरापुरकर जी अपनी पत्नी सुनंदा करमारकरी जी के साथ हैं, यही इनकी पत्नी है। और यहाँ पर बीच में इनकी बेटी रीमा अमरापुरकर हैं, जो कि एक फिल्म निर्देशक हैं। और यहाँ फोटो में आप लोग देख सकते हैं सदाशिव अमरापुरकर अपने परिवार के साथ केतकी सबसे बाईं ओर और सयाली बीच में हैं। जो इनकी बेटी सयाली हैं वो एक डॉक्टर हैं और जो रीमा अमरापुरकर हैं वो फिल्म निर्देशक हैं। इनकी बेटियों की शादी फिलहाल हो चुकी है, लेकिन ये जो पंचधारा बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं अभी भी यहाँ पर उनकी फैमिली रहती है। दोस्तों जब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुपर विलेन की बात का जिक्र किया जाता है तो मोकैम्बो खुश हुआ और गब्बर के साथ साथ सड़क फिल्म के महारानी किरदार को भी जरूर याद किया जाता है। आज उसी किरदार को निभाने वाले महान कलाकार सदाशिव अमरापुरकर जी का हम आपको घर दिखा रहे हैं कि वो मुंबई में कहां पर रहते थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, उनके पास कितना पैसा था। दोस्तों सदाशिव अमरापुरकर जी 21 साल की उम्र में ही थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था और आपको बता दें इन्होंने 50 से अधिक नाटकों में अभिनय और निर्देशन भी किया है। सदाशिव ने पहली बार मराठी फिल्मों में अपनी पहली फिल्म आमरस 1976 से काम करना शुरू किया था। सदाशिव को निर्माता गोविंद निहलानी ने 1991 में हैंड्स ऑफ नामक एक मराठी नाटक के दौरान देखा था, जिसने उन्हें अपनी फिल्म अर्धसत्य में राम सेट्टी, जो नकारात्मक लीड की भूमिका निभा रहे थे, उसका मौका दिया था। फिल्म एक बहुत ही बड़ी सफलता थी और सदाशिव ने अपने प्रदर्शन के लिए खुद को
फिल्म फेयर भी अर्जित किया, यानी उसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया। तो देखिए यही इनके घर का मेन गेट है, अंदर झूले भी लगाए गए हैं और इस बिल्डिंग के नीचे ढेर सारी दुकानें भी हैं। फिलहाल ये बिल्डिंग के अंदर की ही है, ये बिल्डिंग का ही रूम है। इसमें भी दो गेट है, एक गेट इधर है एक गेट उधर है, यानी दो गेट आपको इस बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। अभी भी उनकी पत्नी जो है ना, वो उनकी कुछ और फैमिली अभी भी यहीं पर वो लोग रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग है जहां हमारे इतने अच्छे कलाकार, इतने महान कलाकार रहते थे। उसी के साथ साथ 1987 की बॉलीवुड फिल्म हुकूमत में सदाशिव को हिंदी सिनेमा के खलनायक के रूप में एक बहुत ही फेमस कलाकार के तौर पर उभार दिया। फिल्म ने मिस्टर इंडिया की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर अधिक कारोबार किया जो उस वर्ष की रिलीज हुई थी। 1991 में बॉलीवुड फिल्म सड़क में सदाशिव की महरानी की भूमिका उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है और उसके लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें उन्होंने 90 के दशक के मध्य में इश्क 1997, हम साथ साथ हैं 1999, कूली नंबर वन 1995, आंटी नंबर वन 1998 जैसी फिल्मों के साथ अपना बहुत ही अच्छा भूमिका निभाया और अपना नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ खलनायकों में उभार कर रख दिया। दोस्तों सदाशिव अमरापुरकर जी का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सदाशिव को उनके करीबी लोग प्यार से तात्या बुलाया करते थे। आपको बता दें बचपन से ही यह सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे और लोगों की मदद करना इन्हें काफ़ी पसंद आता था। फिल्मों में आने से पहले सदाशिव ने एक्टिंग की शुरुआत मराठी नाटकों से की थी और लगभग 50 नाटकों के बाद फिल्मों में कदम रखा। सदाशिव अमरापुरकर जी की सबसे पहली फिल्म मराठी थी और इस फिल्म में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक का रोल निभाया था और इसके लिए भी इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सदाशिव अमरापुरकर की पहली हिंदी फिल्म थी अर्धसत्य। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें फिल्म सड़क के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। अर्धसत्य के बाद सदाशिव अमरापुरकर ने 1987 में पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, जवानी और खामोश जैसी फिल्मों में काम किया। सदाशिव अमरापुरकर एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत के बाद से ज़्यादातर विलेन के किरदार में ही नज़र आने लगे। फिल्म मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, कालचक्र ईश्वर, ऐलाने जंग फरिश्ते, वीरू दादा और बेगुनाह में विलेन के ही अवतार में सदाशिव दिखे थे। 90 के दशक में सदाशिव ने सभी कलाकारों के रूप में थोड़ा कॉमेडी की तरफ भी रुख किया। उन्होंने आंखें इश्क, कूली नंबर वन, गुप्त, द हिडन ट्रूथ, मास्टर, हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में भी की। 1996 की फिल्म छोटे सरकार में सदाशिव ने डॉक्टर खन्ना का रोल अदा किया था। सदाशिव की आखिरी हिंदी फिल्म थी दिवाकर बनर्जी की बॉम्बे टाकीज, जिसमें उन्होंने कैमियो रोल किया था। सदाशिव अमरापुरकर का फेफड़ों में संक्रमण के चलते 64 साल की उम्र में 3 नवंबर 2014 को निधन हो गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है, इसी में सदाशिव अमरापुरकर जी रहते थे। 2014 में वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो यादें हैं इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें इस बिल्डिंग के तीसरे और चौथे फ्लोर पर अमरापुरकर जी रहा करते थे, जहां पर उनकी फैमिली अभी भी रहती है। तो ये तो है कि वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी यादें अभी भी इस बिल्डिंग में बसी हुई हैं। आसपास के लोगों से पूछने पर लोग बताते हैं कि वो बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान थे, उनके अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। अगर उनके नेटवर्थ की बात करें तो उनका टोटल नेटवर्थ करीब 20 मिलियन था। और दोस्तों यही वो बिल्डिंग है। उम्मीद करूंगा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।